हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और कल का अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया सुबह के टाइम में, तो उसी का ये दोपहर का व्लॉग है। और देखिए बाहर खूब सारी बारिश हुई, मैंने कल भी बोला था ना बहुत बारिश हो रही है, तो वेदर बहुत अच्छा हुआ है। तो सडनली हमारे घर एक लोग आए हैं, एग्जैक्ट वो 12 o'clock आए, तो ऑब्वियसली अगर 12 o'clock के करीब कोई आया है तो हमारा फर्ज बनता है उनसे लंच पूछना। तो मैंने सोचा लंच बना देती हूँ, क्योंकि लंच में हमारा ये प्लान था कि सुबह हमने हेवी ब्रेकफास्ट किया था, सब लोगों ने पराठा और सब्जी किया था। तो मेरा बेटा आता है 4 बजे, तो आपने देखा था मैंने लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि मैंने एक्स्ट्रा रोटी बना करके रख लिया था, वो हम लोग सोचे थे पीनट बटर खा लेंगे। तो लंच में हमने बहुत लाइट से सोचा था, मैंने सोचा था कि मतलब वन पॉट मील टाइप की जो होती है ना चीज़ें, वो एक बार में जस्ट एक छोटे छोटे बाउल खा लो, तो वैसा हम लोग सोचे थे। लेकिन जब कोई आ जाता है तो ऑब्वियसली हमें अच्छे से उनको लंच कराना है। तो पहले मैंने सोचा कि पूरा चावल दाल बना देती हूँ और सब्जी थोड़ी सी है कुछ फ्राई बना दूँगी, मतलब वो पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता, तो ऐसे लगा मुझे कि क्या पता ज़्यादा लेट हो जाए। तो जब भी कोई घर पे आए ना, दो चीज़ हमेशा रेडी रखें, एक तो पोटैटोज़ होना चाहिए घर में, और दूसरी चीज़ कुछ भी चीज़ें ऐसी ना क्विक बनाने वाली, जैसे कि सोया चंक्स होती हैं है ना, सोयाबीन की वड़िया। और अगर आप कुछ चीज़ें बॉईल करके और अपने डीप फ्रिज में रखते हैं तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। तो मैं कभी काबुली चना डीप फ्रिज में रखती हूँ बॉईल करके, और कभी मैं काला चना रखती हूँ, क्योंकि ये दोनों ना ऐसे टाइम पे मैं बना लेती हूँ। जैसे कि कभी कभी शाम को किसी को भूख लगती है तो मैं बस प्याज टमाटर डाल के और फ्राई करके दे देती हूँ, या फिर किसी दिन लंच में बना लेती हूँ। तो थैंक गॉड मैंने इस बार ब्लैक वाला चना भी बॉईल करके, जस्ट एक दिन पहले ही मैंने बॉईल करके और उसको छान के और मैंने डीप में डाल दिया था। तो अभी मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन वही लगा कि वो एक प्रॉपर पूरा मील हो जाएगा, बहुत सारा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। रोटी सब्जी और प्लेन चावल बना दूंगी और उसके साथ सैलड, तो सब्जी बनाना शुरू कर दूंगी, साथ में रोटी बन जाएगा, और चावल तो बनने में उतना टाइम लगता नहीं है। तो मैंने फिर यही लंच में प्रिपेयर किया। तो ऐसी जगहों पर काम आ जाता है अगर हम थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके पहले से रखते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमें बहुत हेल्प हो जाता है। अगर वही चना नहीं होता तो मुझे पूरी सब्जी भी कोई बनानी पड़ती, वो भी सोचना पड़ता पहले। तो मेरे पास ब्लैक चना था तो मैंने यहाँ पे क्विकली उसको बनाना शुरू कर दिया। तो ब्लैक चना पहले से ही बॉईल होके रखा हुआ है, इसको मैंने फ्रिज में से बाहर रख दिया, जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं फिर यूज़ करूँगी। तब तक मैं प्याज कट करके और कढ़ाई में ही डायरेक्ट मैं बना दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल हो चुका है तो बस इसको तड़का देके मसाले के साथ ही मिक्स करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला और उसके बाद कुछ खड़े मसाले डाल करके प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके, और उसके बाद टमाटर मसाले बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल के चना डाल करके इसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। तो टोमेटोज़ को मैंने डीप फ्रिज में डाल दिया था, एक्चुअली टोमेटोज़ का रेट तो बहुत बढ़ गया है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मंगा लिया था और वो फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाता, तो मैंने क्या किया उसको डीप में डाल दिया। तो इसीलिए कुक करने से थोड़ी देर पहले मैंने निकाल करके धो के एक बर्तन में ऐसे रख दिया, और जब ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा तो पानी भी छोड़ेगा, उस पानी को फेंक के और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो टोमेटो प्यूरी रेडी हो जाएगा। एक और टिप दूंगी मैं यहाँ पे, अगर इस टाइम पे आपके पास उबला हुआ आलू हो तो आप उसको अगर जब ग्रेवी बनने लगती है ना, आधी बन जाए उसके बाद अगर आप मैश करके डालेंगे तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने एक्चुअली पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले ही उसको हल्का सा आलू को फ्राई करके और उसके बाद में चना वगैरह इसमें मिक्स करती मैं, बट कोई नहीं, आपने देखा सुबह ही हमने आलू का बहुत सारा यूज़ कर लिया था लिड को पकड़ करके, और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से ना कच्चापन जाने तक इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, सूखे मसाले में एकदम बेसिक मसाले डालूँगी मैं, हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सारा डाल करके मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटो का प्यूरी, और पूरा ये जो टोमेटो का प्यूरी था इसको डाल करके इसको मिक्स करके और एकदम लो फ्लेम पर इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, मतलब एकदम मसाला पूरा ना पक जाना है। तो मैंने मसाला को आराम से भुनने दिया, क्योंकि जब तक मसाला भुनेगा तब तक हम बाकी काम कर सकते हैं। तो जब मसाला भुन रहा था तब मैंने दूसरी साइड चावल धुल करके चावल भी रख दिया, और उतनी देर में सैलेड भी कट कर दिया, तब तक मेरा मसाला भी रेडी हो गया। तो जब भी कोई आए तो जल्दीबाजी में मसालों को फुल पे या जल्दी जल्दी से कुक ना करें, वही एक जगह है जहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आप मसाले को सिम पे करके उसको भुनने दें, तब तक आप किसी और काम को कर लें उतनी ही देर में। तो मसाला यहाँ भुन गया है, जब भी आप सब्जी ऐसे मिक्स करेंगे ना तो नीचे आपको तेल तेल जैसा फील होगा, तो इसका मतलब हमारा मसाला पूरी तरीके से भुन गया है और ये अब
तले से छोड़ने लगा है। तो इस टाइम पे इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं पानी। पानी डाल करके एक बार उबाल लूँगी इसे, पानी थोड़ा अच्छे से उबल जाए, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चने। यहीं पे अगर आपके पास बॉयल्ड पोटैटोज़ हों तो आप बॉयल्ड पोटैटोज़ चने के साथ एक मैश करके डाल दें। उससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। इसमें मैं यहाँ पे चने डाल दी हूँ और इसको ढक करके अच्छे से उबालूँगी। बाद में मैंने क्या किया कि चनों को थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए, और जब पूरा सब्जी बन जाएगा तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला मैंने, थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल करके इसको मिक्स करके मैंने एक बर्तन में मतलब सर्विंग बाउल में निकाल लिया। उसके बाद मैं इसमें घी का तड़का डाली। आई एम सो सॉरी, जल्दीबाजी में मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन किया है, बट कैमरा मेरा ऑन नहीं था, बस कैमरा ऐसे ही मैंने रख दिया था ऑन करके, उसको स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरा लास्ट का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। लास्ट में क्या करना है कि जब सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे उसका ढक्कन भी रेडी रखना है, उसके बाद एक स्पेशल तड़का देना है। उसके लिए तड़के वाले बाउल में थोड़ा सा घी डालना है और अदरक के लच्छे, अदरक के लच्छों को कट करके रखिए, और जो हरी मिर्च होती है उसको भी स्लिट करके रेडी करके रखिए, और उस घी में पहले अदरक के लच्छे डालिए, 2-3 सेकंड रुकिए, उसके बाद हरी मिर्च डाल दीजिए, उसके बाद दोनों को अच्छे से फ्राई करिए। जब हरी मिर्च पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाना तब उसमें डालना है 1 चम्मच जीरा। जीरा डाल के थोड़ा सा हींग डालिए और इन सबको मिक्स करके करी में डाल करके तुरंत उसका ढक्कन लगा देना है ताकि उसमें से स्मेल बिल्कुल भी बाहर ना जाए। और आप देखेंगे ये इतना टेस्टी सा सब्जी तैयार होगा, एकदम नॉर्मल सी सब्जी। पहले आप टेस्ट करिएगा और तड़के के बाद वाली आप टेस्ट करिएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये, और इससे पूरा ही इसका जो टेस्ट होता है ना पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बोला कि वो ऐसे टेस्ट वाला सब्जी नहीं खाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वाला खाए हैं, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी अपनी बातें आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और आप लोग मेरे साथ बने हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।